और अब जैसा पूज्य प्रभु ने फरमाया स्मृति सभा का साध्वी श्री सोमलता जी जो मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी की संसार पक्षीय बहिन होती थी उनका देवलोक गमन हो गया, उनकी स्मृति सभा परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में इस महाड़ क्षेत्र में मनाई जा रही है। तो मेरा निवेदन परम पूज्य गुरुदेव से उनकी स्मृति सभा में सबसे पहले हमसे पूर्व साध्वी प्रमुखा जी का थोड़ा कराएं, साध्वी सोमलता जी के बारे में, सोमलता जी के बारे में। नंदन वन में जिन्होंने परम पूज्य आचार्य वर की सन्निधि में चातुर्मास करने का सपना संजोया था, किंतु वे अपने उस सपने को पूरा नहीं कर सके, स्वास्थ्य की बाधा के कारण बीच में ही उनको वहां से प्रस्थान करना पड़ा और कल उन्होंने इस नश्वर दुनिया को अलविदा कह दिया। यह नियति है और नियति के इस चक्र को कोई रोक नहीं सकता है। साध्वी सोमलता जी ने दीक्षा ली थी एक विशेष माहौल में, सामान्यतया तेरा पंथ धर्म संघ में आचार्य के पास में दीक्षा होती है, किंतु साध्वी सोमलता जी की दीक्षा हुई थी हमारे सप्तम साध्वी प्रमुखा लाडान जी के पास में। और इसका कारण भी था, सेवाभावी मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी चाहते थे कि लाडान जी के हाथ से किसी की दीक्षा हो, और वह संयोग मिला साध्वी सोमलता जी को। उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद एक नई यात्रा का, संयम यात्रा का प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में वे महासती लाडान जी के पास में ही रही, उसके बाद कुछ समय के लिए साध्वी संघ मित्रा जी के पास में, और उसके बाद साध्वी कमल श्री जी के पास में रहे। उनके साथ में उन्होंने बिहार किए और विशेष रूप से बिहार प्रांत का भ्रमण भी किया था। वे मधुर व्याख्यानी थे। अभिनंदन वन की बात है, मध्यान्ह में आचार्य वर ने फरमाया था कि दोपहर का व्याख्यान साध्वियों को देना है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण मैंने उनको पूछा क्या आप व्याख्यान देंगे, तो उन्होंने सहजता में कहा क्यों नहीं दूंगी, मैं व्याख्यान दूंगी। मैंने कहा आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे शक्ति देंगे और गुरुदेव की शक्ति से मैं व्याख्यान दूंगी। और उन्होंने सचमुच में जितने दिन तक उनका टर्न था उतने दिन तक उन्होंने अच्छी तरह से व्याख्यान दिया, और मैंने देखा लोग उनको कहते थे कि जब आपका व्याख्यान हो तो आप दो मिनट पहले ही पहुंच जाया करो। वे अच्छे, मतलब एक मधुर व्याख्यानी थे और मधुर गायिका भी थे, वे अच्छा गाते थे। अभी मैंने सुना जब मुनिश तपोमूर्ति उग्र बिहारी मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी के उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने स्वयं गीत बनाया और गीत बना करके उनके सामने वह गाया। शायद वह गीत उनका अंतिम गीत था। वे मधुर गाते भी थे और उनका व्यवहार भी मधुर था। जब कभी भी साध्वियाँ उनके पास में जाती, बड़ी मधुरता से वे उनके साथ में बात करते थे, जा उनको अच्छी शिक्षा देते थे। और उनके मधुर व्यवहार का ही कारण है कि उनका जो सिंघाड़ा था, उनकी जो सहवर्ती साध्वियाँ थी, वो उनके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित थी। यानी उनके भीतर अपनत्व का भाव था और वह अपनत्व का भाव हमेशा बना रहा। कोई भी साध्वी उनके पास में आई, वे उनके साथ में ऐसे जुड़ गए मानो वो सदा ही इनके साथ में रह रही हो। और उस अपनत्व के कारण ही उनकी इतनी अच्छी सेवा हुई। इन दिनों में उनका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रह रहा था, लेकिन साध्वियों ने पूरी जागरूकता के साथ में उनकी सेवा की
और वे बराबर साध्वियों के विकास के बारे में भी चिंतन करते रहते थे। उनके भीतर गुरु निष्ठा थी। अभी नंदन वन में ही उन्होंने कहा कि अब मैं गुरुदेव से मंगल पाठ सुनूंगी और शायद वो मंगल पाठ मेरे लिए कारगर बनेगा। यानी उनके मन में ये था कि यदि गुरुदेव मुझे मंगल पाठ सुना देंगे तो शायद मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। पर जब आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है तो उसके बाद में कोई दवा कारगर नहीं बन सकती है। चाहे व्यक्ति कहीं डॉक्टर के पास चला जाए, चाहे अच्छी दवाइयां भी ले ले। तो मैं इस अवसर पर साध्वी श्री सोमलता जी के प्रति यही मंगल भावना करती हूँ कि वे जहाँ पर भी गए हैं वे ऊर्ध्वारोहण करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ओम अरहम। वेदन मुख्य मुनि प्रवर। परम पावन आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखाश्री जी, आदरणीय साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, उत्तराधन सूत्र में एक दृष्टांत के माध्यम से एक बात समझाई गई है। वहां बताया गया है, अध्यानम जो महंतम तु अपाहेयोपवज्जयी गच्छन्तो सो दुही होई छुहा तन्नाये पीड़ियो एवं धम्मम अकाऊणम जो गच्छै परम भवम गच्छन्तो सो दुही होई वाही रोगे हिम पीड़ियो। घटना के पूर्ववर्ती दो श्लोकों में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसको बहुत लंबा घना जंगल पार करना है और उसके साथ पाथेय नहीं है, पानी नहीं है, खाने की सामग्री नहीं है, वह व्यक्ति उस भयंकर अटवी को, जंगल को पार करते हुए क्षुधा से पीड़ित होता है, प्यास से पीड़ित होता है और कभी कभी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। वैसे ही जो व्यक्ति इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर धर्म नहीं करते, धर्म का पाथेय तैयार नहीं करते, वे व्यक्ति भी अगले जन्म में आगे जाकर व्याधि और रोग से पीड़ित होते हैं। श्लोकों के अगले दो चरणों में बताया गया है, एक व्यक्ति जो जंगल पार कर रहा है उसके साथ उस सामग्री है, खाने की सामग्री है, पीने की सामग्री है, वह व्यक्ति आराम से जंगल पार कर लेता है। वैसे ही जिस व्यक्ति के पास धर्म का पाथेय है, वह व्यक्ति अपने अगले जन्म में भी अल्प कर्म वाला, अल्प वेदना वाला होता है। साध्वी श्री सोमलता जी, जो 13 धर्म संघ में दीक्षित हुई और दीक्षित होकर उन्होंने अपने जीवन में धर्म का ऐसा पाथेय तैयार करने का प्रयास किया जिससे कि उनका वर्तमान जन्म भी अच्छा बने और परभव भी अच्छा बने। शासन श्री साध्वी सोमलता जी, जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी ने शासन श्री संबोधन से संबोधित किया था, वे एक विदुषी साध्वी थी। उनकी संगीत की कई पुस्तकें भी छप चुकी हैं और उन्होंने अपने जीवन में लंबी यात्रा भी की, पूर्वोत्तर भारत की यात्रा कर धर्म संघ की प्रभावना करने का प्रयास किया। उनकी प्रवचन शैली भी अच्छी थी और उन्होंने अपने जीवन में जो हर साधु साध्वी पर 3 सेवा देने का ऋण होता है उससे भी वे मुक्त हो चुकी थी। ऐसी साध्वी शासन श्री साध्वी सोमलता जी, जिन्हें अपना अंतिम चतुर्मास गुरुदेव के सानिध्य में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु उनके शरीर में इतनी वेदना थी, तकलीफ थी कि उन्हें बीच चतुर्मास में ही एक बार शहर में इलाज के लिए जाना पड़ा और चतुर्मास के बाद भी उनको परम पूज्य गुरुदेव के 2 दर्शन भी प्राप्त हो गए थे और मैंने भी कई बार उनसे बात करने का भी अवसर मिला। उनके शरीर में अत्यंत वेदना होने पर भी शरीर का नीचे का भाग शून्यता को प्राप्त हो गया था, ऐसी स्थिति में भी वे उसको संभाव से सहन कर रही थी। ऐसी साध्वी श्री
शासन श्री सोमलता जी, जिनके भ्राता मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी है, और कमल कुमार जी स्वामी को तो गुरुदेव ने आते ही बसंत पंचमी के दिन कहा कि पहले तुम अपनी बहन महाराज के पास जाओ, साध्वी सोमलता जी के पास जाओ, उनको साता पूछो। तत्काल उसी समय बसंत पंचमी के दिन मुख्य प्रवचन कार्यक्रम के बीच गुरुदेव ने शासन श्री साध्वी सोमलता जी के लिए संदेश लिखकर मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी को विदा किया, और कमल कुमार जी स्वामी पुनः गुरुदेव के सानिध्य में पधारे। पुनः गुरुदेव ने उनको साध्वी सोमलता जी के सानिध्य में भेज दिया। एक गुरु कितना ध्यान रखते हैं कि एक बहन को अपने भ्राता मुनिश्री द्वारा अंतिम समय में पाथेय संबल मिल सके, आत्मस्थ रहने का एक सूत्र मिल सके। तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी बहुत कृपा कराई, उनके लिए संदेश आदि का पाथेय भेजा और उनके भ्राता मुनिश्री को भी पास में भेज दिया। और किंतु ये तो एक सृष्टि का शाश्वत नियम है, और उनके शरीर में इतनी वेदना थी, आहार भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। इतनी सहिष्णुता के साथ रहने वाली साध्वी सोमलता जी अब हमारे बीच में नहीं है। हम सब उनकी आत्मा के प्रति मंगल कामना करते हैं कि वे शीघ्र सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। ओम आरहं। परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्मास संपन्न हुआ, बाद में भी अनेक बार दर्शन उन्हें गुरुदेव के हुए, और उनके परिवारजन आज अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं है। मुंबई के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पर जहाँ कहीं भी होंगे, कारण क्या कि वर्तमान का युग केवल यहाँ बैठे लोग ही नहीं, कहीं पर भी वे गुरुदेव की अमृत देशना को सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो पहले मैं साध्वी वृंद से निवेदन करता हूँ गीत के लिए, उसके बाद में फिर परम पूज्य गुरुदेव को हम सुन सकेंगे। साध्वी मैत्री ऐसा जी भंते, आज मुझे गंगा शहर का बृहद मर्यादा महोत्सव का वह दिन याद आ रहा है, जब हम नई सतियों के मन में हलचल थी कि हमें गुरुकुलवास में रखा जाएगा या बहिर्विहार में भेजा जाएगा। उस समय काफ़ी नई साध्वियों को बहिर्विहार में भेजा गया, उसमें से एक मैं भी थी। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे साध्वी श्री सोमलता जी मास्टर जी को वंदना करवाई थी, और उस समय मेरे मन में था कि मुझे गुरुकुलवास में रहना है। तो मुनि श्री कीर्ति कुमार जी ने गुरुदेव की तो कृपा थी ही, और कीर्ति कुमार जी स्वामी ने गुरुदेव को निवेदन किया कि आप इनको गुरुकुलवास में रखवाने की कृपा करवाएं। तो आचार्य ने महती कृपा की और मुझे गुरुकुलवास में रखवाया। मैं सोमलता जी मास्टर जी के साथ में लगभग 2 घंटा जितना समय उनके साथ रही, उस 2 घंटे में उन्होंने मुझे इतना वात्सल्य दिया कि वो आज भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो मुझे प्रतिलेखन के बाद अपने साथ लेके गए थे और अपने पास बिठा के आहार करवाया, और उस समय बहुत ठंडी का टाइम था तो अपना स्वयं का नया एलवान मुझे दिया, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी मुझे स्नेह वात्सल्य दिया और तत्व ज्ञान की परीक्षा का फॉर्म भी भरवाया, और दूसरे ही दिन मुझे वापस राज में रहने का अवसर मिल गया गुरुदेव की कृपा से। तब फिर मैं उनको जब वंदना करने गई तो उन्होंने मेरे माथे पे ऐसे हाथ रखा और कहा कि तुम्हारे भाई को बहन चाहिए तो क्या मुझे ऐसी नान की नहीं चाहिए। और जब वे गंगा शहर से मुंबई आए थे इलाज के लिए, तब उन्होंने कहा कि जब तक आपका राज में योग है तब तक ठीक है, जब भी गुरुदेव आपको बहिर्विहार में भेजे तो आपको मेरे पास ही आना है। और अब जब नंदन वन में उनका चातुर्मास था तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी जब तक मैं यहाँ हूँ तो आपको रोज़ दिन में एक बार मेरे पास आना है और मुझसे ग्रास लेना है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं प्रतिदिन उनको दिन में एक बार जाकर के वंदना करूं। तो इस बार मुझे उनके साथ थोड़ा सा समय बिताने का अवसर मिला। मैंने देखा कि वे बहुत पॉजिटिव थे, इतनी वेदना में भी इतनी समता, इतनी कष्ट सहिष्णुता थी। तो उनके ये गुण मेरे में भी आए और उनके प्रति मंगल कामना करती हूँ कि उनकी आत्मा शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करे। साध्वी वृंद गीत की प्रस्तुति।
मुंबई से समागत आचार्य श्री महाश्रवण प्रवास व्यवसाय समिति मुंबई के उस समय के अध्यक्ष मदन लाल जी तातेड़, वे भी आज के अवसर पर अपनी बात की प्रस्तुति हम परम पूज्य परम पावन एकादशम अनुशास्ता अध्यात्म जगत के उत्वस्त नक्षत्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरी भावभीनी वंदना। आदर पद साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मणि प्रवर साध्वी वर्या जी, यहाँ पर बिराजी सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरी भावभीनी वंदना। महाड़ के समागत भाइयों और बहनों और बम्बई से पधारे हुए स्मृति सभा में सबका मैं हार्दिक जय जिनेन्द्र, सबको सादर वंदन। कल सुबह प्रातः 7:02 पर साध्वी श्री जी सोमलता जी को चौव्यार संतारा उग्र विहारी तपस्वी मुनि उनके भाई भ्राताश्री द्वारा चौव्यार संतारा पचकाया गया और 7:32 पर उनका संतारा सीज गया। मुनिश्री वहाँ पर उनको महावीर जी की बारखड़ी सुना रहे थे और साथ में उन्होंने कहा कि अभी नवकार मंत्र का जाप शुरू करो, और जैसे उन्होंने नवकार मंत्र 2 गाया और उनमें उन्होंने देह का त्याग कर दिया, उनका कार्य सिद्ध हो गया। साध्वी श्री सोमलता जी का देवलोक गमन हो गया। साध्वी श्री सोमलता जी अपने धर्म संघ की एक विदुषी साध्वी थी, उनकी प्रवचन कला व्यक्तित्व कला बेजोड़ थी और उनके द्वारा जो गीत रचे गए हैं वो बहुत ही सुंदर और आज भी अपने जहन में घूमते हैं। बहुत गाने में मतलब संगीत बनाने में उनकी अभिरुचि बहुत थी, अच्छे अच्छे मौके पर अच्छे अच्छे संगीत बनाती थी। तो साध्वी श्री जी का जहाँ जहाँ भी उन्होंने चातुर्मास बॉम्बे में 6-7 चातुर्मास उन्होंने किए हैं और एक धर्म संघ की अच्छी प्रभावना उन्होंने की है और धर्म संघ में अपने 53 धर्म संघ की बहुत उन्होंने प्रभावना की है। मैं उनके दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा उत्तरोत्तर प्रगति हुई, मोक्ष अतिशीघ्र मोक्षगामी बने। गुरुदेव, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनकी सेवा में उनके चारों सतियों ने जो उनकी बेजोड़ सेवा की है वो अपने धर्म संघ में उदाहरण है कि बहुत अच्छे ढंग से उनको समाधि दी है। और मुनिश्री ने कहा है कि उन साधियों ने बहुत अच्छे ढंग से सेवा की है, ऐसा मेरे आपको मैं नम्र निवेदन करता हूँ। दादर समाज ने भी साध्वी श्री जी के सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाई श्री दिलीप जी सरावगी का नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहता हूँ कि वो उनके एक तरह से वो तो उनको मातुश्री का दर्जा ही देते थे और उनकी सेवा उपासना उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से की है। इससे अपना धर्म संघ बहुत विशाल है। गुरुदेव, आपकी असीम अनुकंपा से उनको अंतिम चातुर्मास वहाँ वो पूर्ण नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने आपके प्रति जो श्रद्धा भावना और आपके प्रति जो हमेशा अहोभाव प्रकट किया है वो हमारे दिल में आज भी मौजूद है। हमेशा वो अपने धर्म संघ की सराहना करती थी और आपके प्रति जो उनका अहोभाव था, उनके अतुल्य उनके मन में आपके प्रति जो श्रद्धा भाव था वो बेजोड़ है। आज वो हमारे बीच नहीं रही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि धर्म संघ की एक अच्छे साध्वी की अमूल्य क्षति हो गई है। साध्वी श्री शासन श्री साध्वी श्री सोमलता जी का जाना एक धर्म संघ की बहुत बड़ी क्षति मानता हूँ। मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ और ये उनके सिद्ध शीघ्र सी मोक्षगामी बने ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। अभी शायद बम्बई से काफ़ी लोग आने वाले हैं, बस आ गई है, 5-7 की देर और है। श्री एक रेणु जी कोठारी जो पार्ला में आई है, वो एक गीत है जो नहीं, अभी गीत नहीं, गीत नहीं, ठीक है अभी। ओ महाराम, मनोहर जी गोखरू अपनी ओर से। परम पावन पूज्य प्रवर, अभी हम मुंबई में साध्वी श्री सोमलता जी जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया, भगवान कल का संथारा देख करके और पूरा घटनाक्रम देख करके कुछ बातें मन में आती है। मुनि श्री कमल कुमार जी ने भी भावना व्यक्त की है, गुरुदेव कितने सम्यज्ञ हैं, गुरुदेव कितना ध्यान रखवाते हैं। जैसे मुनि श्री कमल कुमार जी पधारे, आपने कहा पहले वहाँ दर्शन देने जाना है और भगवान जो पूरा घटनाक्रम हुआ, एक तरह से साध्वी श्री सोमलता जी की दिल की जो भावना थी, मेरा अंत समय समाधि पूर्वक हो और भाई मुझे संथारा बचकाए, भगवान आप दूरदृष्टि हैं, उनकी दोनों भावनाएं पूरी हुई है। और एक तरह से पूरा घटनाक्रम देखें वो सौभाग्यशाली थी, यथा समय तिव्यार्थ संतारा चौवियार संतारा
और नमस्कार महामंत्र के जप के साथ में उन्होंने विदा ली है, तो एक तरह से संघ की गरिमा बढ़ी है। और पूज्य प्रवर आपसी के प्रति जितनी कृतज्ञता हम ज्ञापित करें, मुंबईवासी, सोमलता जी का मुंबई में लंबे समय तक प्रवास हुआ, उनकी गुरु भक्ति संघ निष्ठा हम सबके लिए प्रेरणादायी है, और उनकी रचनाएँ आपसी के मुंबई पदार्पण भी उन्होंने जो गीतों की रचना की है अपने आप में विशिष्ट थी। इस अवसर पर हम दिवंगत आत्मा के उत्तर विकास की मंगल कामना करते हैं, पूज्य प्रभु के प्रति विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ओम अरम निवेदन परम पूज्य गुरुदेव च इत्ता भारहम वासम चक्कवट्टी महिद्धि ओ संती संत करे लो ए पत्तो गई मनुत्तरम। साध्वी सोमलता जी की जीवन की यात्रा कल संपन्न हो गई। यह जीवन का क्रम है, एक यात्रा का प्रारंभ समय होता है और बीच का समय भी और फिर यात्रा की संपन्नता का समय भी आ जाता है। यों संयम जीवन लेकर अपना निर्बाध अच्छी तरह निभा दे, यह संयम की चद्दर अंतिम समय में अच्छी तरह रह सके, अच्छी तरह हो जाए रह सके, और फिर तो जैसा आयुष्य का योग है, नियति का योग है, एक दिन यह यात्रा संपन्न हो जाती है। साध्वी सोमलता जी का कल मुंबई में महाप्रयाण हो गया। मैं उनके जीवन के ऐतिहासिक कुछ प्रसंग यानी जन्म आदि के बारे में बताने जा रहा हूँ। अति संक्षेप में उनकी जीवन झांकी प्रस्तुत की जा रही है। साध्वी सोमलता जी का जन्म विक्रम संवत 2008 कार्तिक शुक्ला अष्टमी को गंगा शहर के वैद परिवार में हुआ। उनके पिता श्री रतनलाल जी वैद, अभी मैं शादियों का गीत वो मेरे कानों में पड़ रहे थे तो एक तोलाराम जी शब्द उनके गीत में, वो तोलाराम जी कौन थे तो मतलब बाबूजी आके उन्होंने पिता के रूप में नाम लिया होगा, यानी इसमें लिखा है रतनलाल जी बैद, तो जो भी सही है तोलाराम, इसमें रतनलाल जी लिखा है, इसमें भी रतनलाल जी लिखा है, ठीक ठीक है। तो पिता श्री रतनलाल जी बैद, माता का नाम श्रीमती केसर देवी बैद। साध्वी सोमलता जी की दीक्षा विक्रम संवत 2025 कार्तिक कृष्णा अष्टमी को गुरुदेव श्री तुलसी के निर्देशानुसार माजी महाराज मातुश्री बदना जी के सान्निध्य में सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति महासती साध्वी प्रमुखा लाडा जी के कर कमलों से बिदासर में संपन्न हुई। तो उनकी दीक्षा गुरुदेव के द्वारा नहीं हुई थी, गुरुदेव की बहन और वैसे साध्वी प्रमुखा जी जो गुरुदेव के साथ में उस समय नहीं थे, वे बिदासर में थे, तो उनके द्वारा बिदासर में यानी लाडा जी महासती जी के द्वारा सोमलता जी की दीक्षा संपन्न हुई थी। साध्वी सोमलता जी को दीक्षा के बाद कुछ वर्षों के बाद अग्रणी बनाया गया। विक्रम संवत 2039 को गुरुदेव श्री तुलसी के द्वारा
मुसालिया में उनको अग्रणी की वंदना कराई गई। साध्वी सोमलता जी ने यात्राएं भी की, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, नेपाल, भूटान, इनकी यात्रा के क्षेत्र ये रहे थे, यानी यहाँ इन्होंने यात्रा भी की थी। और उनके ज्ञाति जो हैं उनमें मुनि श्री गणेशमल जी स्वामी गंगाशहर के, वो उनके नाना महाराज, वो मतलब एकदम रियल नाना संभवतः नहीं होंगे, ऐसे वो कोई कजिन हो वैसे, वो नाना महाराज संभवतः गणेशमल जी स्वामी थे। मुनि श्री गणेशमल जी स्वामी को भी हमने मैंने देखा है, क्यों तत्वज्ञान के भी यहाँ जानकार हो तो तत्वज्ञान में थोड़ी यहाँ रखने वाले, कई दोहे बनाने वाले, दोहे भी बनाते थे, यों वो वृद्ध अवस्था में थे, चौबीस ही बनाई गए, आपने ढंग के वयोवृद्ध मुनि थे, और कालुगणी के युग के मुनि श्री गणेशमल जी स्वामी गंगाशहर के, ये उनके यो नाना महाराज होते थे। मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी उग्र बिहारी तपोमूर्ति जो अभी बॉम्बे में ही है, वो उनके संसार पक्ष से भाई होते थे। साध्वी मधुरेखा जी उनकी मासी की बेटी बहन, ये साध्वी शारदा श्री जी हैं, समणी मधुर प्रज्ञा जी, ये यानी कोई मासी ऐसे मासी होती थी, अच्छा सोमलता जी की मासी होती है, वो हैं शारदा श्री जी, समणी मधुर प्रज्ञा जी, अच्छा समणी जयंत प्रज्ञा जी वे भतीजी होती हैं सोमलता जी की, ये जानकारी दी गई है। विक्रम संवत 2074 पौष कृष्णा तीज को चास बोकारो में, यानी चास या बोकारो जो भी वो चास बोकारो बोलने में, मैंने उनको शासन श्री अलंकरण से अलंकृत किया था, जैसा इसमें उल्लेख है। और अभी वो मुंबई में थे, ये हमारा चतुर्मास नंदनवन में था सन 2023 का, तो चतुर्मास के काफ़ी समय तक तो वो गुरुकुलवास में ही थे, बाद में चिकित्सा स्वास्थ्य के संदर्भ में उनको नंदनवन से विदाई दे, नंदनवन से बॉम्बे में भेजा गया चिकित्सा के लिए, और वो ठीक है, प्रयास आदमी करता है चिकित्सा का, चतुर्मास में वापस वो नंदनवन आई नहीं, बाद में हमने नंदनवन से बिहार कर दिया, हम विले पार्ले गए थे, विले पार्ले में वापस उनको सेवा कराई, मिलना हुआ था, फिर उनको हमने विले पार्ले में ही छोड़ दिया था, वहीं हम आगे बढ़ गए थे। फिर एक बार हम बिहार करते हुए जा रहे थे तो हमारे बिहार के बीच में दादर आ रहा था, तो वो हमारे रास्ते में या हमने जो रास्ता लिया था संभवतः तेरा पंत भवन के वो परिसर के वो गेट के पास वे सोमलता जी आदि साध्वियाँ मिली, कुछ क्षण हम वहाँ रुके, फिर हम आगे बढ़ गए, उनको पीछे छोड़ दिया था, उसके बाद वो हमारा अंतिम उनसे मिलना हुआ था। तो ये इलाज प्रयास चला, तो भी मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी को जो बसंत पंचमी के दिन वाशी में हमारे पास पधारे थे, मैंने थोड़ी देर बाद ही उनको वहाँ से बिहार करा दिया कि आप सोमलता जी के पास पधारो, तो वे वहाँ पहुँच गए, फिर वापिस मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी वापिस हमारे पास एक बार आ गए थे, फिर उनको वापिस भेज दिया था। तो यह भी एक विशेष योग की बात है कि दिल्ली में चतुर्मास था कमल कुमार जी स्वामी का, चतुर्मास के बाद तत्काल बिहार भी उनका नहीं हुआ, कुछ समय बाद बिहार हुआ, और फिर बिहार करके वे बॉम्बे पहुंच गए,
और अंतिम दिनों में उनको अंतिम कई दिनों में वे साध्वी सोमलता जी के आसपास रह सके और एक तरह से अंतिम जो एक धार्मिक और जो भी सहयोग संभवतः उनको देने का मौका मिल गया, यह एक विशेष बात हो गई। एक बहन को संसार पक्ष में बहन को एक अंतिम एक वरना दिल्ली कहाँ दिल्ली कहाँ बॉम्बे, पर मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी के लिए दिल्ली बॉम्बे की दूरी भी मानो ज़्यादा नहीं होती है, वो क्योंकि वो अपने ढंग से चलने वाले तो उनके लिए दूरी इतना मायना नहीं रखती है। वो अब गति से आ गए, पहुंच गए, पधार गए और उनको मौका मिल गया और आखिर जैसा आयुष्य क्रम का योग है लगभग 72 वर्ष का इनका आयुष्य था साध्वी सोमलता जी का। तो विक्रम संवत 2080 फाल्गुन कृष्णा 13 त्रयोदशी 8 मार्च 2024 को रात्रि में लगभग 2:15 बजे उनको तिविहार संथारा और फिर 7:37 पर वे मुंबई दादर में मुंबई में कल सुबह 7:37 पर लगभग काल धर्म को प्राप्त हो गई थी। तो साध्वी सोमलता जी हमारे धर्म संघ में आई थी, साध्वी बनी थी, गुरुदेव तुलसी के युग में शासन में महासती लाडा जी के द्वारा वे दीक्षित हुई थी और लगभग 55 वर्षों तक उनका संयम पर्याय रहा और अब चली गई है। एक अग्रणी साध्वी साध्वियों में यानी वो अगवाणी थी और उनके साथ में जो सहवर्ती साध्वियाँ थीं, अब सिंगाड़े में और में कोई अस्वस्थ हो तो उनकी सेवा करना भी एक अच्छा कार्य होता है। वो तो खुद अगवाणी थी सिंगाड़े में, तो सहवर्ती साध्वियों को भी एक जो सेवा का अवसर मिलता है वो अपने उस सेवा का अवसर का लाभ उठाना हमारा एक कर्तव्य धर्म वो होता है। तो साध्वियों सहवर्ती साध्वियों को भी एक सेवा का मौका मिला और मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी को भी अपनी संसार पक्ष या भगिनी साध्वी को जो उनसे वैसे बड़ी थी, पर्याय में तो बड़ी थी ही और उम्र में भी संभवतः वो बड़ी थी, उनकी उनको एक सहयोग देने का अच्छा एक महत्वपूर्ण जो मिले न मिले ऐसा एक मौका मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी उग्र बिहारी तपोमूर्ति जो हैं उनको एक अच्छा वो मौका मिल गया। मानो उनके मतलब कहते हैं मन में नहीं रही, एक अंतिम मौका मिल गया, तो एक जो कभी मन में भी मुझे मौका नहीं मिला उनको मौका मिल गया। तो साध्वी शासन श्री सम्मान से सम्मानित सोमलता जी जिनको अंतिम चतुर्मास के काफी हिस्से में भी गुरुकुलवास में रहने का मौका मिल गया था और जीवन का उनका अंतिम संवत्सरी का दिन मानो गुरुकुलवास में आ गया था। तो अब वे चलिए कुछ बोलना हाँ। तो वे महाप्रयाण को प्राप्त हो गई, उनके प्रति हमारी मंगल कामना है, उनकी आत्मा शीघ्र मोक्षश्री का वरण करे और उनकी स्मृति में उनके प्रति मध्यस्थ भावना मंगल भावना के रूप में मान लें, श्रद्धांजलि के जिसे कहा जाता है हम ध्यान का प्रयोग करें, 4 लोगस का ध्यान और लोगस याद जिनको नवकार मंत्र अथवा दीर्घ श्वास का प्रयोग, सावधान ताव कायम
ओम अरहम। तो यह स्मृति सभा का उपक्रम है और गुरुदेव तुलसी ने जो अनुव्रत यानी जो अनुव्रत गीत में जो कहा गया है कि वो गृहस्थों के जीवन में कैसे नैतिकता ईमानदारी आए, तो वैसे स्मृति सभा का क्यों दिनेश जी संपन्न हो गए हैं को हम संपन्न मान रहे हैं, तो साधु साधियां जो जाने के इच्छुक हों वे अब विदाई ले सकते हैं। हमारा आगे का क्रम अब आप थोड़ा बोले तो हम अनुव्रत गीत में जो कहा गया है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, तुलसी अनुव्रत सिंह नाद सारे जग में मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जीवन हो संयममय। आप और क्यों बोल महार को महार के बारे में और थोड़ो सो। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना और ये स्मृति सभा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। साध्वी श्री सोमलता जी जिनकी स्मृति सभा भी मनाई गई उनके पारिवारिक सदस्य भी पहुँचे हैं और दादर से भी लोग आए हैं मुंबई से। तो पहले महेंद्र जी वेद जो साध्वी श्री सोमलता जी के भतीजे हैं वे अपनी बात को प्रस्तुति कर रहे हैं। महेंद्र जी वेद यहीं से फिर गणपत जी मारू वे अध्यक्ष तैयार हैं। बंते आज सारा वैद्य परिवार परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में उपस्थित हुआ है। अपने भुवासा महाराज की शासन श्री साध्वी श्री सोमलता जी की स्मृति सभा में गुरुदेव कल्याण मित्र श्रद्धा की प्रतिमूर्ति केसर देवी ने पुत्र पुत्री के साथ पुत्र वधु को भी संग में समर्पित किया है, जिनका हमें गौरव है। जब जब मैं भुवासा महाराज की सेवा में जाता था वहाँ आप हमें संघी संस्कार और गुरु के प्रति समर्पण के भाव का सिंचन करती। उनकी संघ निष्ठा बेजोड़ थी और अस्वस्थ अवस्था में भी यही फरमाते कि गुरुदेव के प्रताप से सब कुछ ठीक है। इतनी तीव्र वेदना को भी उन्होंने समभाव से सहन किया। गुरुदेव आज आप वैद्य परिवार के प्रत्येक सदस्य में ऐसी शक्ति प्रदान कराएं कि हम भी हर परिस्थिति में सम रहें और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा बनी रहे। उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी मेरे संसार पक्षी काका सा महाराज हैं। उनके जीवन जीने की शैली भी अलबेली है। वे भी हमेशा समय समय पर अपनी बहन को आध्यात्म की खुराक प्रदान कराते रहे हैं और संलेखना के भाव जगाते रहे हैं। शासन श्री साध्वी श्री जी की शारीरिक शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि उनका उठना बैठना बोलना करवट बदलना भी मुश्किल हो गया था।
उन्होंने स्वयं लिखकर मुनिश्री को निवेदन किया कि संथारे की इच्छा है, परंतु एक साथ हिम्मत नहीं होती। साध्वी श्री ने कई बार 4 बजे तक चौविहार करके देखा, चौविहार उपवास करके देखा, फिर जीवन में पहली बार चौविहार तेला किया और अंत में चौविहार संथारा मुनिश्री से पचक कर 4 तीर्थ के बीच में शरीर का त्याग कर सदा सदा के लिए हमसे दूर हो गई। प्रभु, आपकी अनुपम कृपा से साध्वी श्री को अंतिम समय तक मुनिश्री के द्वारा प्रेरणा पाते मिल सका, अन्यथा कहाँ दिल्ली और कहाँ मुंबई। ऐसा दुर्लभ योग आपने मिलाकर साध्वी श्री जी की अंतिम इच्छा पूर्ण कराई, इसके लिए वैद परिवार सदा सदा के लिए पूज्य प्रवर का ऋणी रहेगा। गुरुदेव, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि भुआसा महाराज की चित्त समाधि में चारों साधियों का अपूर्व सहयोग रहा है और उनकी अगला भाव से अंतिम समय तक सेवा की। प्रभो, तेरापन धर्म संघ में ही ऐसी सेवा हो सकती है। आज सारा वैद चोपड़ा परिवार आप श्री के चरणों में नतमस्तक है, प्रणत है, समर्पित है। भगवान हमारे कुल के गौरव, जिन्होंने धर्म संघ में काफ़ी नाम भी किया है, स्वर्गीय शासन श्री गणेश मल जी स्वामी, जो मेरे दादाजी महाराज हैं, उग्र विहारी तपमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी, जो मेरे संसार पक्षी काका सा महाराज हैं, मुनि श्री ध्यान मुनि जी, जो मेरे फूफा सा महाराज हैं, स्वर्गीय शासन श्री सोमलता जी संसार पक्षी भुआसा महाराज हैं, साध्वी श्री विनम रेसा जी काकी सा महाराज हैं, साध्वी श्री मधुरेखा जी दादी सा महाराज और साध्वी श्री शारदा श्री जी दादी सा महाराज। गुरु की दृष्टि के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमने तो भगवान को नहीं देखा, परंतु गुरु के रूप में हम साक्षात भगवान को देख रहे हैं। गुरुदेव, आपने काका सा महाराज को ऐसे आशीर्वाद देकर भेजा, कभी सभी काम बहुत अच्छे से पूर्ण हुए, इसके लिए वैद्य परिवार आपका आभारी है। ओम अरहम। गणपत जी मारू अध्यक्ष दादर सभा। परम पावन पूज्य प्रवर महातपस्वी आचार्य वर के श्री चरणों में सभक्ति अभिवंदना, विराजित समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में सभक्ति वंदना। पूज्य प्रवर, आज दादर समाज शासन श्री साध्वी श्री सोमलता जी के तीसरे मनोरथ की संपन्नता के बाद श्री चरणों में उपस्थित है। पूज्य प्रवर शासन श्री साध्वी श्री लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी। पूज्य प्रवर, आप श्री की कृपा दृष्टि से शासन श्री की स्वास्थ्य संबंधी सेवा का अवसर दादर समाज को प्राप्त हुआ। चातुर्मास से पूर्व शासन श्री जी का लगभग 10 महीना 20 दिन दादर में प्रवास रहा। बनते दादर समाज ने जागरूकता पूर्वक दायित्व का निर्वहन किया। पिछले 22 दिसंबर को आप श्री ने महती कृपा कर शासन श्री जी को पुनः सेवा दर्शन का अवसर प्रदान कराया। पूज्य प्रवर, साध्वी श्री जी की लगभग पिछले 1.5 महीने से स्वास्थ्य की बहुत प्रतिकूलता रही। आप श्री ने महती कृपा कर उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी आदि ठाणा 3 को दिल्ली से मुंबई पधारने की अनुमति प्रदान करवाई। मुनिश्री के पधारने से साध्वी श्री जी को चित्त समाधि की अनुभूति हुई। गुरुवर, आप श्री की कृपा से मुनिश्री के विराजने के लिए तेरापंत भवन के पास में ही मंदिर वालों का उपाश्रय जो सताकारी रहा मिल गया। मुनिश्री को भवन पधारने में मात्र 2 मिनट का समय लगता। गुरुदेव, मुनिश्री के प्रवचन एवं सेवा दर्शन का क्रम निरंतर गतिमान रहा। कल पश्चिम रात्रि में लगभग 2:30 बजे साध्वी श्री जी का स्वास्थ्य ज़्यादा उतार लगा और 2:51 बजे मुनिश्री के निर्देशानुसार साध्वी श्री शकुंतला जी ने तिविहार संथारे का प्रत्याख्यान करवाया और सूर्योदय के पश्चात मुनिश्री स्वयं पधारे और स्थिति को देखकर साध्वी श्री जी की अनुमति से 7:01 पर चौविहार संथारे का प्रत्याख्यान करवाया। उसके बाद गीतिका आदि सुनवाई, शरणा दिलवाया। उसके बाद आँखों से देखते देखते 7:37 पर साध्वी श्री जी अपना तीसरा मनोरथ सिद्ध कर गए। गुरुवार, आज मुनिश्री नमू कुमार जी के 17 की तपस्या है, उनके आगे बढ़ने का भाव है। पूज्य प्रवर, दादर समाज पर आपकी विशेष कृपा दृष्टि रही है, वह आगे भी बनी रहे, दादर समाज को संघ सेवा का अवसर मिलता रहे, आपका स्वास्थ्य मंगलमय रहे,
आपकी आगामी यात्रा मंगलमय हो, इसी मंगल भावना के साथ ओम आरहम। परम पूज्य गुरुदेव महिला मंडल दो तीन कुल महिला मंडल दादर, वे गीत के लिए यदि तैयार हो तो अपने दादर महिला मंडल अपने, मैं तब तक कुछ नामों ले कर लेता हूँ। जैसे जैन समाज महिला मंडल, जो यहाँ प्रति रविवार ऐसा सुना है कि वे सामूहिक रूप में सामायिक करते हैं, तो कल रविवार है, रविवार के दिन अपनी प्रस्तुति कर सकेंगे। और साथ साथ में महाड़ बहन बेटी, वे भी कल के दिन पूज्य गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति दे सकेंगे। तेरा पंथ युवक परिषद विक्रम कोठारी जी, वे भी अपनी प्रस्तुति कल दे सकेंगे। और किशोर मंडल, कन्या मंडल, उनकी प्रस्तुति भी कल हो सकेगी। दादर महिला मंडल उपस्थित है, प्रस्तुत कर दें। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव फरमा रहे हैं। सोमलता जी, साध्वी जी की स्मृति सभा
आयोजित हुई। स्मृति सभा का दूसरा चरण अभी चला है। मुंबई से तेरापंथी सभा के अध्यक्ष श्री तातेड़ जी आदि आदि दादर से भी आए हैं और साध्वी सोमलता जी के संसार पक्षीय भाई भाई जो बैठे होंगे हाँ उनके भाई भाई भी है ना सोमलता जी के हाँ गए भाई भाई है ना हाँ हाँ उनके नातीले परिवार से जो हैं हाँ और जो पारिवारिक नातीले हैं तो इनके परिवार से साध्वी सोमलता जी हमारे धर्म संघ में साध्वी के रूप में दीक्षित हुई थी और करीब 72 वर्षों का उनका जीवन काल और करीब 55 वर्षों का उनका संयम पर्याय काल रहा और थोड़ी स्वास्थ्य की समस्या हो गई थी। चतुर्मास के बीच में ही उनको चिकित्सा के लिए मुंबई में उधर जाना पड़ा था। चिकित्सा प्रयास जो भी हुआ आखिर आयुष्य कर्म का नियति का अपना नियम है। मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी को एक अच्छा ये अंतिम एक मौका उनके सोमलता जी के आसपास रहने का एक मौका मिल गया तो साध्वी सोमलता जी जो महासती लाडा जी के द्वारा विदासर में दीक्षित हुई थी तो वे चली गई हैं। हमारे धर्म संघ की एक अगवाणी साध्वी थी शासन श्री सम्मान से सम्मानित थी तो उनकी स्मृति सभा हुई। परिवार में खूब धार्मिक संस्कार अच्छे रहे अच्छे धार्मिक विकास होता है। अब पुनः है महाड़ के ऊपर आते हैं और ज्ञानशाला अपनी प्रस्तुत परम पूज्य गुरुदेव गुरुदेव फरमा रहे हैं। अभी उनका दादर में प्रवास हुआ था दादर में और इधर बॉम्बे में चिकित्सा और सब में खूब अच्छा क्रम बना रहे।